मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इकाई 6 से पाठ 6 6.1 जिसका शीर्षक है जीवन का झरना, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। अब यहाँ इस पाठ में मैं आपको बता दूं कि जीवन का झरना नामक कविता में कवि ने जीवन को एक झरने के समान तुलना की है, अर्थात कह सकते हैं हम कि जीवन की झरने से तुलना की गई है। जिस प्रकार झरना निरंतर अनवरत होकर बहता रहता है, उसी प्रकार जीवन में भी दुख सुख का सामना करते हुए भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ये बहता हुआ झरना हमें देता है। जीवन के वास्तविक मर्म को समझते हुए सकारात्मकता के साथ जीवन पथ में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने की सीख हमें यह झरना देता है। गतिशीलता को अपने जीवन पथ के ध्येय के रूप में रखती यह कविता जीवन को जड़ता से जीवंतता की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा देती है। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य निराश हो गया होगा अपने जीवन से, तो यह झरना वाली कविता जो है वह उसे एक जीवन में एक नई उमंग और एक नया उत्साह प्रदान करती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो देखें इस कविता में कवि ने किस प्रकार जीवन की तुलना बहते हुए झरने से की है। यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर में, कब किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। यहाँ पर कवि जीवन की तुलना झरने से करते हुए कहते हैं कि मानव जीवन झरने के समान है। इस जीवन की मस्ती जो है झरने के पानी के समान है और इस झरने के जो दोनों किनारे हैं वह मानव के जीवन के दुख सुख के समान है। अर्थात मानव के जीवन में जिस प्रकार दुख सुख आते हैं, वह दुख और सुख मानव के जीवन के दो किनारे होते हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते हैं, और उसी प्रकार झरना भी झरने में भी दो किनारे होते हैं जो जीवन में कभी नहीं मिलते। जीवन के समान झरना भी अपनी नियत मार्ग पर चलता रहता है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार झरना भी निरंतर अपने नियत मार्ग पर बहता रहता है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा, और यह झरना जो है वह कब पर्वत के हृदय से फूटकर ऊपर से नीचे गिरा या नीचे आया किसी को पता ही नहीं चलता है। किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे, और किस घाटी से बहकर के लिए मैदान में बहता हुआ आ गया कभी किसी को पता नहीं चलता। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है जो कब किस प्रकार आगे बढ़ेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, और किस प्रकार आगे बढ़ते जा रहा है किसी को कोई पता नहीं चलता है। तो इसीलिए कवि ने जीवन की तुलना, मनुष्य के जीवन की तुलना बहते हुए झरने से की है। आगे देखिए, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है चलने की अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मधमाता। अब यहाँ कवि ने झरना किस प्रकार आगे बढ़ता है इसकी तुलना जो की है वह किससे की है, मानव की युवावस्था से, कि मनुष्य की युवावस्था बहुत जोशपूर्ण होती है और इसी जोश के साथ मनुष्य का जीवन उसकी युवावस्था आगे बढ़ती है, और इसी प्रकार का जोश कवि ने बहते हुए झरने में देखा। इसीलिए कवि ने बहते हुए झरने की तुलना मनुष्य के युवावस्था से की है। तो देखिए कवि कहते हैं, झरने में युवावस्था के समान जोश होता है, निर्झर में गति है, यौवन है, अर्थात झरने में युवावस्था की गति और जोश है। युवा व्यक्ति के समान झरना अपनी धुन में निरंतर चलता रहता है और जब चलते हुए आगे बढ़ते जाता है तब अपनी मस्ती में बढ़ता हुआ आगे बढ़ जब जाता है तब बाधा के रोड़ों से लड़ता, अर्थात अपने सामने आने वाली हर बाधाओं को, हर चट्टानों से, रास्ते की हर चट्टानों से, हर बाधाओं से टकराता, जंगलों के पेड़ों को पार कर
चट्टानों पर चढ़ता युवावस्था के जोश के साथ मस्ती से भर कर आगे बढ़ता जाता है। और तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार झरना जो है जब उसमें युवावस्था का जब जोश होता है तो वह किस प्रकार अपने आने वाली बाधाओं को चीर कर पार करता हुआ आगे बढ़ता है, चाहे वो चट्टान सामने में आ जाए, चाहे जंगलों के बड़े बड़े पेड़ सामने में आ जाए, वह हर बाधा को अपने जोश से सामना करते हुए उन बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए कवि ने झरने की तुलना मनुष्य की युवावस्था से की है। किस प्रकार युवावस्था में जोश होता है, एक युवा भी अपनी हर बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार झरना भी निरंतर आगे मनुष्य के युवावस्था के समान आगे बढ़ता जाता है। आगे देखिए, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति है जीवन में, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिनेगी। अब यहाँ पर कवि जो है वह बताते हैं झरने के बारे में कि झरने में जब लहरें उठती हैं गिरती हैं, जोर जोर से लहरें ऊपर उठती हैं फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है, तो नाविक जो है वो पछताता है, अर्थात उसे दुख होता है, क्योंकि वो उस झरने में नाव पे सवार होता है तो वो उसे पछतावा होता है। किंतु झरना युवावस्था के समान आगे ही बढ़ता जाता है। मानव जीवन के समान झरना भी एक दिन रुक जाएगा। जिस दिन अगर ये झरना रुक जाएगा, जैसे मनुष्य का जीवन एक ना एक दिन समाप्त जरूर होता है, तो अगर ये झरना भी अगर किसी दिन समाप्त हो गया तो क्या होगा, सारी पृथ्वी सूख जाएगी। मनुष्य के जीवन की गति रुकने से तो जीवन का अंत हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन जिस दिन ये झरना रुक जाएगा उस दिन सारी पृथ्वी सूख जाएगी, अर्थात जीवन में बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। इसीलिए जीवन झरने के ही समान है। आगे देखिए, निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना है केवल चलना है जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही निर्झर यह झरकर कहता है। अब यहाँ पे कवि ने झरने से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए। आगे क्या होगा इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि झरने और यौवन की यहाँ कवि ने तुलना की है कि किस प्रकार हमारा यौवन चिरस्थायी नहीं रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी चिरस्थायी नहीं रह सकता। तो कवि कहते हैं कि तुम सिर्फ आगे बढ़ो, आगे गतिशील बने रहो, अपने कर्म पर आगे बढ़ते चलो, निरंतर आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर कभी मत देखो। कि जिस प्रकार झरना हमें प्रेरणा देता है निरंतर आगे बढ़ने की, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, इसलिए है मनुष्य तुम भी कभी पीछे मुड़कर मत देखो। तो कवि क्या कहते हैं देखिए उनकी व्याख्या में, कवि ने झरने से प्रेरणा लेकर हमें बताया है, एक संदेश दिया है कि आगे बढ़ो चलो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखो। यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, और जीवन का अर्थ ही क्या है, निरंतर चलते रहना, निरंतर गतिशील बने रहना, पीछे मुड़कर कभी ना देखना, ये मत सोचो आगे चलकर क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या परिणाम होगा, ये मत सोचो, सिर्फ निरंतर चलते रहो। चलना है केवल चलना है जीवन चलता ही रहता है, और सिर्फ चलते ही जाना है, यही जीवन का नाम है, क्योंकि मृत्यु तो केवल जीवन का अंत है, मर जाना है रुक जाना ही, क्योंकि मृत्यु तो केवल रुक जाना है, अर्थात जीवन की समाप्ति, जीवन का अंत है। झरना भी हमें यह प्रेरणा देता है कि लगातार आप हमेशा गतिशील बने रहो, कभी भी रुको मत, निरंतर चलते रहो, रुक जाओगे तो अंत हो जाएगा, अर्थात इस जीवन का ही अंत हो जाएगा। इसलिए यह झरना हमें प्रेरणा देता है कि निरंतर
प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते रहो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आए पीछे मुड़कर मत देखो। इसीलिए कवि ने यहाँ जीवन की तुलना मनुष्य के जीवन की तुलना बहते हुए झरने से की है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।